बिहार वो जगह है जिसने देश को राजनीति दी, देश को शिक्षा दी, साथ ही विश्व को ज्ञान दिया। बिहार वो जगह है जो आज के समय में सबसे अधिक बदनाम राज्यों की सूची में आए तो कहा जाए पहले नंबर पर आ जाएगा। बिहार वो जगह है जहां सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसे कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि जंगल राज आ चुका है। अब जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकारें चल रही थी, मामला कुछ हद तक ठीक था, लेकिन उसके बाद जो स्थिति पलटी है, तो क्या एक बार फिर से कहा जाएगा कि जंगल राज रिटर्न हो रहा है, जंगल राज की वापसी हो रही है? बस किरदार में उस समय लालू यादव थे, अब तेजस्वी यादव आ गए हैं। आज की ही खबर है, सुबह के 3 बजे से 6 बजे तक एक डांसर के साथ दरभंगा में गैंग रेप किया जाता है। गैंग रेप के बाद उस डांसर को वहीं पर छोड़ दिया जाता है। पुलिस को जबकि ऑर्केस्ट्रा जहां हो रहा था, जहां कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, वहां बुलावा मिला था, लेकिन पुलिस नहीं पहुंचती है। अब ऐसे में आरोप तो सरकार पर ही लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समस्त बिहार के लोग आरोप पूछ रहे हैं। हम दिल्ली में हैं, हमने सोचा कि दिल्ली में रहने वाले विभिन्न बिहारियों से बात की जाए और विभिन्न जगह के लोगों से बात की जाए, ताकि इस विषय के बारे में जानकारी बढ़ सके और हम समझ सके कि बिहार की जो सरकार है वो किस स्तर पर काम कर रही है। मेरा नाम है गौरव झा, सहयोग कर रहे प्रदीप, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल है भैया जी गजब। भैया कहाँ से हो आप? हम बिहार से हैं भाई। बिहार में कहाँ से? बिहार में हम दरभंगा से ही। ठीक है, आप ही के गृह जिला की खबर है, ऑर्केस्ट्रा की एक डांसर है उसके साथ गैंगरेप हो जाता है, सरकार सो रही है, पुलिस को अभी तक आरोपी नहीं मिल पा रहे। देखिए भाई साहब, जहाँ तक बात है सरकार में प्रशासन की, जी प्रशासन तो खैर मेरा जन्म ही 1990 के मतलब 1995-96 में हुआ है। हाँ। तब से मैं अभी तक कोई बढ़िया प्रशासनिक व्यवस्था नहीं देखा आज तक बिहार में। हाँ। ना ही कभी रोड को लेके देखा, ना ही कभी प्रशासन को लेके देखा, और ना ही कभी यातायात को लेके कोई सुविधाएं देखा। ठीक है, लेकिन जो जिस घटना की आप जिक्र कर रहे हैं वो बिहार में पहले भी हो चुका है। हाँ। और बहुत पहले से होता आया है। हाँ। लेकिन अब जो ये सब मुद्दा है वो टीवी पे या मोबाइल में हमारे और आपके जैसे लोग दिखाने लगे हैं। ठीक है, तब जाके आपको पता लगा है कि कल ही हुआ है, नहीं तो होने के लिए तो ये जब से जंगल राज है पिछले आप 30 साल से ले लीजिए। हाँ। तब से होता है। हाँ। जिस बिहार को पहले, जो बिहार विश्वविख्यात थी, ज्ञान की गंगा वहाँ जहाँ से बहती थी, जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था उसको जला दिया गया, जहाँ से बुद्ध हैं, जहाँ के बुद्ध हैं, जहाँ महावीर हैं। हाँ। उस ज्ञान की धरती पे आजकल देख लीजिए किस तरीके से अज्ञानता का पूरा अंधेरा छाया हुआ है। हाँ। तो जब अज्ञानता का अंधेरा छाएगा तो अज्ञानता के अंधेरे में ऐसे ही लूट पाट, चोरी, ये जो चीज आप कह रहे हैं ब्लैकमेल, रेप, गैंग रेप, यही सब होगा। हाँ। तो हमें अगर यदि बढ़िया बिहार चाहिए, सुदृढ़ बिहार चाहिए, तो हमें जात पात से उठ के अपना नेता चुनना पड़ेगा जो हमारे समाज के लिए काम करे, ना कि हमारे जाति बिरादरी से हो। अभी हाल फिलहाल में आप देख लीजिए, ना ही मुद्दा है वहाँ के स्कूल कॉलेज का, ना ही शिक्षा का मुद्दा है, लेकिन मुद्दा अभी मेन क्या है वहाँ का, तो जातिगत जनगणना। हाँ। भाई साहब जाके घरे घरे लोग पूछेंगे। हाँ। ये किसको मिलेगा जनगणना? टीचर को मिलेगा। हाँ। जो जिस टीचर का ओरिजिनल में काम है पढ़ाना, उनका तो कोई काम नहीं लिया जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे सरकारी स्कूल है जिसमें शिक्षक ही नहीं है। हाँ। और बहुत सारे ऐसे गाँव है जहाँ सरकारी स्कूल ही नहीं है। हाँ। तो शिक्षा कहाँ से आएगी? हाँ। शिक्षा के मामले में बिहार का रैंक जो है 28 में से 27 नंबर पे आता है शिक्षा के मामले में। फिर भी ना ही शिक्षा के लिए स्कूल खोला जा रहा है, और स्कूल है तो ना ही उसमें शिक्षक हैं। जो शिक्षक हैं उनके पास ज्ञान की कमी है। हाँ। तो ऐसे लोगों को अब नया काम दे दिया जाएगा। कौन सा काम? तो जातीय जनगणना। घर घर जाके पूछेंगे, भाई तू कौन जाता है, तू कौन जाता है, अहाँ कौन जाए छे, अहाँ कौन जाए छे, अरे तू कौन बारा हो, तू कर्मी बारा का, तू पंडित बारा का। पूरा बिहार में यह चलेगा तो इससे बिहार का विकास होगा, क्योंकि बिहार का एक विकास आपने अभी भी देख लिया था कुछ दिन पहले, जब दारू बंद करने के लिए किया गया वोट पाने के लिए महिलाओं का। भाई साहब, दारू बंद करने से अगर यदि विकास हो जाता तो आज बिहार जो है सो बहुत ज़्यादा विकास कर जाता। आपको विकास देखना है ना, दिल्ली में देखिए, दिल्ली में दारू चालू है कि नहीं चालू है, या दिल्ली का विकास रुक गया है? दिल्ली का यातायात आप देखे हैं? हम तो कहते हैं राजस्व का एक बड़ा हिस्सा देता है ये।
अरे भाई देता है, चलाने वाला चाहिए ना। आपने दारू बंद कर दिया, बिहार में दारू बंद है क्या? घरे घर गुरखी बन रहा है, घरे घर जो है वो महुआ वाला बन रहा है। जमीन जिस समय दारू चालू था उस समय भी जमीन बिक रहा था लोगों का, बंद करने के बाद भी लोगों का बिक रहा है। अब इन लोगों का कहना है कि ये तो रोजगार है, क्योंकि जिस समय एक ठेका खुल जाता था तो एक आदमी का रोजगार होता था। आज ठेका बंद होने के बाद एक मोहल्ले में पाँच लोग वेंडर हो जा रहे हैं, उसी मोहल्ले के पाँच लोग शराब विक्रेता हो जा रहे हैं, पाँच लोग पियक्कर हो जा रहे हैं। तो जमीन भाई साहब तब भी बिकता था जमीन, अब भी बिकेगा। ठीक है, आप जिस सिस्टम को दोष दे रहे हैं इस सिस्टम में तो पिस तो बिहार की जनता रही है ना, घर तो बिहार की जनता का। पिसेगा नहीं बिहार का जनता, जब बिहार का जनता ही जाति पे जाति और जाति पाति पे वोट करेगा तो क्या गुजरात का जनता पिसेगा? हैं, एक बात बताइए, बिहार में लोग कहते हैं कि जंगल राज नहीं है, जंगल राज नहीं है। भाई साहब जंगल राज नहीं है तो इसको कौन सा राज कहा जाए? कितना गुजराती आपके बिहार में आके काम करता है? आप पांच को गुजराती का नाम बता दीजिए हमको, और ये भी देख लीजिए कि कितना बिहारी गुजरात में जाकर दिल्ली में जाकर काम कर रहा है। यहाँ आप जितना लोग हैं ना सब लोग में से गिन लीजिए, इसमें 70+ बिहार के लोग होंगे, और कह रहे हैं कि हमने रोजगार बनाया है बिहार में। वहाँ की जनता को मूर्ख बनाते हैं ये लोग सब लोग मिलके। बताइए आप यहाँ के यातायात सुविधा देखे हैं? महिलाओं के लिए टिकट फ्री है, आप वहाँ पे ना टिकट टिकट का पैसा मिल रहा है तो सीट नहीं मिलेगा, बस मिल रहा है तो आधा रास्ता में पुल पर से उलट के गिर जाएगा, आदमी मर जाता है। आप भी बिहार से? हाँ भैया हम भी कहाँ से? बिहार लखीसराय डिस्ट्रिक्ट। लखीसराय, लखीसराय की क्या स्थिति है जब आप लखीसराय छोड़कर आए थे तब? अरे मतलब पूरे बिहार का स्थिति अगर बताया जाए तो बद से बदतर है, और पूरा दुनिया जान रहा है कि आज का क्या डेट मतलब चल रहा है बिहार में और क्या हो रहा है। हाँ जैसा कि आप बता रहे हैं कि दरभंगा में कल रेप कांड हुआ है, तो खाली दिमाग शैतान का, वहाँ ना रोजगार है ना तो एजुकेशन है ना स्वास्थ्य है, तो लोग क्या करेगा? वो रेप ही करेंगे, चोरी ही करेंगे, इसी सब मतलब मुद्दा मेन मतलब ये सबसे पेट भर जाएगा। अरे तो क्या करे, रोजगार नहीं है तो क्या करे? शिक्षा व्यवस्था वहाँ का बर्बाद हो चुका है, जब पढ़े लिखे लोग नहीं है, और वहाँ का सरकार 75 साल हो गया देश का आज़ादी का, एक भी इंडस्ट्री नहीं है बिहार में, झेल रहा है, तो फिर क्या इससे मतलब बताया जाए विशेष? तो सरकार बदलने के लिए ऑप्शन तो आता है 5 साल में, जनता बदलता है, लेकिन सब जितना भी सरकार आज तक के डेट में आया बिहार के बारे में कोई भी नेता नहीं। तो क्या गुजरात में उस दिन बिहार विकास कार्य हो जाएगा? क्या कह रहे? जिस दिन जो वोटिंग सिस्टम है ना बिहार में, एक दारू से बिक्री बंद हो जाएगी उस दिन बिहार विकास कर जाएगी। जनता जो है नमरी पे टंगरी पे बिक के वोट दे देता, जाति के नाम पे पार्टी के नाम पे वोट देता रहेगा तो कहाँ से बदलाव होगा? जब इलेक्शन के टाइम आता है तो बोलता हम आरजेडी के फैन हैं, हम जदयू के फैन हैं, हम बीजेपी के फैन हैं, और अभी जब एक कोई भी कांड हो जाता है तो उस पर चिल्लाता है कि हमारे सरकार नंगड़ी है लुल्ली है। सरकार के बदलने का जब टाइम आता है तो लोग पैसे के बल पे बिक जाते हैं और मतलब अपना परिवर्तन करते नहीं है। इसकी हुई हमारी या सरकार की? हमारी गलती हुई भाई। तो जनता को समझना चाहिए ना, जनता को समझना चाहिए। जनता इन्होंने कहा हमारी गलती हुई, केवल और केवल इनकी गलती नहीं मानी जाएगी। पहली चीज देखिए, अभी आप दरभंगा के रेप कांड की बात कर रहे थे, बिहार आज से ऐसा नहीं है, बिहार शुरुआत से ही ऐसा है। जब से बिहार राज्य बना, ठीक है बिहार राज्य तो खैर शुरुआत से ही है, लेकिन जब से वहाँ पे ये आरजेडी और जेडीयू की सरकार आई है ना, ये लालू और नीतीश, यही दो व्यक्तित्व जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया है। ठीक है, उसमें आपका और मेरा दोष 1 से 5 मैक्सिमम 10% तक हो सकता है। आज आपने दरभंगा के एक रेप कांड की बात की है, एक ऐसी सरकार भी थी बिहार में जिस समय में बीवी विश्वास नाम के आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ 2 साल तक बलात्कार हुआ। एक आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ 2 साल तक बलात्कार हो रहा है, वो बिहार कैसे सुधरेगा? बिहार के शिक्षा मंत्री आके जातिवादी टिप्पणी करते हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री आके ये जरूर कह देते हैं कि रामचरितमानस गलत है, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री कभी ये नहीं कहेंगे कि बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों का पद खाली है उसे मुझे भरना है। बिहार के शिक्षा मंत्री कभी ये नहीं कहेंगे कि मैंने 25,000 स्कूल बंद कर, मेरे 25,000 स्कूल इस कारण बंद हो गए क्योंकि मेरे पास जमीन नहीं थी। बिहार के शिक्षा मंत्री कभी अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, लेकिन ये जरूर बोलेंगे कि रामचरितमानस गलत है। अरे भाई हुई है वही सो जो राम रचिरा का, साला अपना काम इन लोगों से हो नहीं रहा है, ये राम के ऊपर राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाना कर दिया कर रहे हैं। हम हैं इसके लिए, हम बेवकूफ इसलिए हैं क्योंकि जब वही सरकार वही पॉलिटिशियन मुद्दा उठाती है, आप मुस्लिम हो तो आप मुस्लिम को वोट देंगे, आप हिंदू हो आप किसी पार्टिकुलर जाति को, तब हम क्या सोचते हैं? नहीं,
यादव आप हमेशा देखेंगे बिहार में हमेशा जब वोट होती है मुस्लिम यादव समीकरण लागू होता है, यूपी में भी और बिहार में भी मुस्लिम अलग है और यादव अलग हो जाते हैं। तब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल ये है कि क्या अन्य प्रदेशों में क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, और जब क्षेत्रीय पार्टियां हैं तो क्या वो जातिगत चीजों को आधार बनाकर चुनाव नहीं लड़ती है? ये तो मुझे लगता है पूरे भारत का एजेंडा है। तो इसमें आप केवल इस चीज का इल्जाम क्षेत्रीय पार्टियों पे नहीं लगा सकते। इवन ये राष्ट्रीय पार्टियां भी करती है, ठीक है। आप अगर मान लीजिए किसी डिवीजन में, मान लीजिए मैं एक जिले की बात करता हूँ, एक जिले में अगर ब्राह्मण ज्यादा है ना, तो वहाँ पे आपको पता है चेहरे कौन से ज्यादा खड़े होंगे? ब्राह्मण। मुस्लिम इलाकों में जाके देखिए, एक भी ऐसा आदमी हो जो जिसके नाम के पीछे ठाकुर या यादव या फिर कुछ और लगाओ, वहाँ केवल मुस्लिम खड़ा हुआ है। तो ये जातिवादी जो राजनीति है ना, जो बिहार में शुरुआत से होती आ रही है, और ना केवल बिहार, ये पूरे हिंदुस्तान की हकीकत है, इसे आपको और मुझे निगलना पड़ेगा। इसके ऊपर काम ऐसे करना होगा कि सबसे पहले जातियों में बंटना छोड़ दे हिंदू, ठीक है। मैं पर्टिकुलर हिंदू की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मैं एक बात बताऊँ आपको, जितने भी रिलीजन्स हैं उनके लिए कोई ना कोई ऐसा व्यक्तित्व खड़ा हुआ है जो एक ऐसी पार्टी बन जाती है, AIMIM, फुल फॉर्म क्या है उसका, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। भाई मुसलमानों की पार्टी वो लोग घोषित कर रहे हैं, आपके बस की है जाके हिंदू सेना करके जाके पार्टी बना लीजिए, लड़ लीजिए चुनाव, अगर जीत गए मैं अपने मूंछ मंडवा लूंगा, आज तक ब्लेड नहीं चलने दिया मैंने अपनी मूंछ पे। बिहारी बिहार से जो पलायन करते हैं, इससे बढ़िया हंगामा कर देते भाई। देखिए हंगामा करने से कुछ नहीं होता, ये सब बस कहने की बातें हैं। जब बात होती है ना, आज मैं पार्टिकुलर किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोशली बात कर रहा हूँ। आज क्या होता है, हम सिर्फ वही बातें समझते हैं जो मीडिया दिखाई जाती है। और क्या आपको लगता है कि मीडिया बिल्कुल सही दिखाती है? क्या आपको बताएं मुझे, मैं बता रहा हूँ आपको, मीडिया बिल्कुल सही नहीं दिखाती है। मीडिया वही दिखाती है जो आपको दिखाया जाता है। सच्चाई कुछ नहीं होती। मोदी जी को बहुत अच्छी इमेज, मैं बिल्कुल मानता हूँ बीजेपी। आप ना सारे मीडिया हाउसेस को बदनाम ना करें, काफी ऐसे पत्रकार हैं। अगर मैं केवल बिहार की भी बात करूं, मनीष कश्यप, बिहार का लड़का नाम सुना है, मनीष कश्यप बिहारी लुक्स लाइक। एक सेकंड सुनिए, गाड़ी है आपके पास, एक सेकंड भाई साहब बोलने दीजिएगा, एक सेकंड, आपके पास गाड़ी है, कैमरा दिखाओ भाई साहब की तरफ, आपके पास गाड़ी है, सिक्स एयर बैग सिस्टम किसकी वजह से लागू हुआ? मनीष कश्यप की वजह से, ठीक है। मनीष कश्यप जब चीनी मिल कट रहा था ना, आप यहाँ हाथ पे हाथ बांध के खड़े हुए थे, तब वो आदमी जाके खड़ा होके पता है क्या कह रहा था कि चीनी मिल नहीं कटना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ो। जब आप लोग यहाँ पे खड़े होके तालियां बजा रहे होते हैं ना मोदी सरकार और राहुल सरकार के ऊपर, तब वो आदमी जाके लड़ रहा होता है नीतीश कुमार और लालू यादव के खिलाफ, और छह बारी जेल में बंद हो जाता है। तो उस मनीष कश्यप के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। बिल्कुल, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर ऐसा इंसान के, ऐसे देखिए एक्सेप्शनल होते हैं, हर जगह होते हैं, मैं पर्टिकुलरली ओवरऑल बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल बता सकता हूँ आपको, अभी कुछ दिनों पहले एक बात चल रही थी, न्यूज़ की बात चल रही थी कि पाकिस्तान से हमें कंपेयर किया जा रहा था हमारी इकोनॉमी को। क्या हमारी इकोनॉमी पाकिस्तान से कंपेयर होने लायक है? हमारी अभी जब आप पाकिस्तान का नाम लिया है, तो कुछ दिन आपके जैसे लोग ही श्रीलंका से कंपेयर कर रहे थे कि श्रीलंका में देखो कैसे क्रैश जा गए, भारत भी ऐसे ही डूब जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उसका रीजन ये है, क्योंकि मीडिया आपको बताती है, देखिए पाकिस्तान ऐसा है। आपको बेहतर देखिए, बीच में क्या हुआ था कि महंगाई बहुत बढ़ गई थी, ठीक है। होता क्या है, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आपको जब नीचे वालों से लोग कंपेयर कर दिया जाएगा ना, तो आपको लगेगा मैं तो बेहद बेहतर हूँ। आप 5,000 रुपये कमाते हैं जी, मैं आपके इस पॉइंट को गलत इसलिए कहना चाहूँगा, इस वक्त का विदेश मंत्री कौन है आपको पता है? डॉक्टर एस जयशंकर। जितने भी अमेरिका वगैरह हैं, अमेरिका हो गया और जितने भी ये एक साइड के स्टेट्स हैं और सॉरी कंट्रीज़ हैं, वो पता है क्या कह रही थी कि आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं? तब डॉक्टर एस जयशंकर ने आपको पता है क्या जवाब दिया था? ये भाई मेरी पॉलिसी है, मुझे तेल सस्ता पड़ रहा है, मैं खरीदूंगा। तो कंपैरिजन अमेरिका से भी हम कर रहे हैं, केवल पाकिस्तान से नहीं कर रहे हैं, केवल पाकिस्तान से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पूरा करने दीजिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको मीडिया की बात अगर बिहार पे हो ज्यादा तो वो ज्यादा अच्छी। देखिए नहीं, बिल्कुल मैं बिहार की बात बताऊंगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ मीडिया की बातें, क्योंकि अब जाके आपको क्या फील होगा कि मैं तो बहुत बेहतर हूँ। जब महंगाई का मुद्दा है तो आपको ये कंपेयर नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान में क्राइसिस है, फिर आपको फिर बाहर भारत की बात ही करनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो आपकी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है 342 बिलियन, जो हमारी महाराष्ट्र से भी कम है। मैं आपके पॉइंट को समझ गया।